दोस्तों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी। दोस्तों हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे एकदम नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर को बीच में नहीं उठाने वाले हैं ताकि आपको दिक्कत आए, क्योंकि मैथमेटिक्स कंटिन्यूअसली और क्रमबद्ध तरीके से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का सब्जेक्ट है। अगर आप बीच में कोई चैप्टर अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें दिक्कत होगी, इसीलिए मैं आपको नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से ही एकदम एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे होंगे। आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप अगर पुराने लेक्चर्स को पुरानी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप पहले वो क्लासेस देखिए, और वो क्लासेस देखते जब आएंगे देखिए भी और उसके नोट्स भी बनाइए। जब उसके नोट्स बनाते हुए देखते हुए चलेंगे तब आपको इसके बाद आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, उनमें किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस बात को लेके एकदम आप श्योर रहिए कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम में आने वाली चीजें होंगी, एग्जाम से अवे या एग्जाम से दूर जाके चीजें हम लोग नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जुड़े रहिए लगातार और देखते रहिए, इसी प्रकार से हम लोग आप लोगों के लिए बहुत बेहतर बेहतर कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और दोस्तों आज की क्लास को मैं बता दूं आपको कि इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घातांक और आज की अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग करनी। इसको एक लेक्चर में ख़त्म हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको इस पर बेस्ट क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे, और क्लास बहुत लंबी भी ना हो, 1 घंटे से ज़्यादा ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि शॉर्ट्स क्या होते हैं। शॉर्ट्स घातांक और करणी में शॉर्ट्स जो लिखा है ना, ये शॉर्ट्स का मतलब होता है करणी, शॉर्ट्स का मतलब होता है करणी। और जो इंडाइसेस है ना, इंडाइसेस इसका मतलब होता है घातांक, का मतलब होता है घातांक। अब इसकी एकदम एक एक बेसिक बातों को जानते हुए चलेंगे। आपने देखा होगा हम लोग बेसिक जानने में टाइम लगाते हैं, लेकिन जब बेसिक जान लेते हैं एक बार तो क्वेश्चन बहुत आराम से बहुत जल्दी जल्दी हमसे बन जाता है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी ने लिखा है एक्स की पावर एम, ऐसा किसी ने लिखा है, तो पहली बात तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या है पहले वो जानते हैं। तो पढ़ते हैं एक्स की घात एम, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्स की घात एम, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों जो ये एम लिखा है ना आपके पास, ये एम आपका है घातांक, इस एम को बोलते हैं घातांक, और जो एक्स लिखा है इसको बोलते हैं आधार। आई थिंक आपको एक बात समझ में आ गई कि एक्स की पावर एम में जो ऊपर बैठा है वो घातांक और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं आधार, ऊपर वाला घातांक नीचे वाला आधार, ये बात आपको समझ में आ गई। पढ़ते क्या है एक्स की घात एम ना, एक्स की पावर एम ऐसा पढ़ा जाता है। अब इसके रूल्स कुछ है, कुछ खास हमारे पास रूल्स हैं, उन रूल्स को जानते हैं। इसके नियम क्या क्या है घातांक का, जो पहला नियम ये है वो ये है कि दोस्तों जब कभी भी आपको आधार बराबर दिख जाए, जब कभी भी आधार बराबर हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जब आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातों को जोड़ देंगे, इसलिए आंसर आया एक्स की पावर एम प्लस एन प्लस पी, घातों को जोड़ दिया गया है। पहला नियम है, बहुत सिंपल नियम है। दूसरा नियम आपके पास ये है कि जब आपके पास आधार समान हो और भाग दे रहे हो, आधार समान हो और भाग दे रहे हैं, तो गुणा में घातों को जोड़ा जाएगा और भाग में घातों को घटाया जाएगा। तो जैसे अगर आप नीचे से इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये m ऊपर जाके माइनस, n जो है ना ऊपर जाके माइनस, तो x की घात m माइनस n, याद रखना नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर जाके माइनस। और अगर आप मान लो इसके उल्टा इस ऊपर वाले को नीचे ला रहे हो, m को नीचे ला रहे हो, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर n माइनस m। कहने का मतलब यह है कि जब भाग हो रहा हो और आधार समान हो,
जिस घात को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं वो घात माइनस होती है। जैसे मैंने एन को ऊपर ले गया तो एम माइ एन एस एन हो गया, अगर मैं एम को नीचे लाऊंगा तो एन माइनस एम हो गया, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सेकंड नियम ध्यान रखना है, गुणा में आधार समान होने पर घातें जोड़ी जाएगी, भाग में आधार समान होने पर घात को घटाया जाएगा। अगला तीसरा नियम जो बहुत ही काम का नियम हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ है, दिख रहा है आपको, यहाँ ब्रैकेट लगाया हुआ है, एक्स की पावर एम की होल पावर एन, एक्स की घात एम की घात एन, तो एक्स की घात एम पहले उसकी घात एन, अगर ऐसा है ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये घातें आपस में गुणा हो जाती है, घातें आपस में गुणा होती है, तो आंसर क्या आता है, एक्स की पावर एम इंटू एन। अच्छा आपको मान लीजिए आपको कभी जरूरत पड़ रही है कि सर इसको अंदर ला दें इसकी जगह और इसको इसकी जगह लाए, तो आप ऐसा कर सकते हो, माने आप एन को एम की जगह और एम को एन की जगह ऐसा भी कर सकते हो और घाते आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे कैसे सर, एक एग्जाम्पल बताओ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपसे कहा गया एक्स की घात एम की घात एन की घात पी की घात आर लिखा हुआ है, मान लो ये आपके पास लिखा हुआ है, तो आपसे कहा गया इसका मान बताओ, तो आप देख पा रहे ब्रैकेट लगा हुआ है एक्स की घात एम की घात फिर उसके बाद ब्रैकेट पी की घात आर, ऐसे में आपको क्या करना है, तो ऐसे में आपको इन सारी घातों का आपस में गुणा, मतलब इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका एक्स की घात एम इंटू एन इंटू पी इंटू आर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो मुझे लगता है आपको ये तीसरा नियम समझ में आ गया है कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, यहां तक की बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा नियम हमारा और काम का नियम है चौथा, और फोर्थ नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास कभी एक्स की घात एम बराबर एक्स की घात एन अगर है तो आंसर आता है एम की बराबर एन। इसका मतलब समझते हैं, जब कभी भी आधार समान हो, आधार या आधार दिख रहा है समान होना चाहिए, आधार समान हो और साथ में बीच में बराबर का चिन्ह हो, आधार समान हो बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घात भी बराबर होगी, घात भी बराबर होगी, देखिए आपके पास लिखा हुआ एम बराबर एन। तो चारों नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, अब जरा हम चलते हैं इन पर कुछ एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल लिया है मैंने, उस एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन, जब कभी भी आपको इस तरीके की चीजें दिखे दोस्तों, पावर में फिर ब्रैकेट फिर पावर में फिर ब्रैकेट ऐसी चीजें दिखे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं इधर से, क्यों सॉल्व करते हैं, इधर से सॉल्व किया जाता है। और इसमें देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में पावर में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व होगा, और ये क्वेश्चन नीचे से ऊपर की तरफ, ब्रैकेट लगा हो नीचे से ऊपर, ब्रैकेट नहीं लगा हो ऊपर से नीचे, एकदम आसान। तो अब हम क्या करेंगे, आपने आप बोलोगे कि सर अभी आपने बताया था कि ये घातों को आपस में गुणा कर देंगे, जब आप इनको गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा यहां से, आंसर आ जाएगा यहां से 2 की घात 2 दुनी 4 दुनी 8, आंसर हो गया 2 की घात 8, यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया, एकदम सिंपल है। अब चलते हैं आगे, सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको पहले इसको सॉल्व करना है, ऊपर से चलते हुए पहले इसको सॉल्व करना है, जो मैंने सर्कल किया उसको आपको सॉल्व करना है। आप कहेंगे सर ये कितना होगा, 2 की घात 2 कितना होता है दोस्त, 4 होता है, 2 की घात 2 4, तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 की घात 2 हो गया 4, तो 2 की घात 4 को मैं एक काम करता हूँ इधर लिख देता हूँ 2 की घात 2 और ये पूरा हो गया 4। अब आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो फिर आप ऊपर से ही नीचे सॉल्व करेंगे, तो अब की बार किन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं, आप कहेंगे सर अब की बार फिर इन दोनों को सॉल्व करें, तो आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या बोलेंगे 2 की घात 4, और 2 की घात 4 कितना होता है 16, आंसर आ गया 2 की घात 4 मतलब 16। देख रहे सवाल दोनों एक जैसा दिख रहा था लेकिन आंसर अलग अलग आ रहा है, तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि जब ब्रैकेट लगा होगा नीचे से सॉल्व करते हुए जाएंगे और ब्रैकेट नहीं लगा होगा ऊपर से सॉल्व, एकदम क्लियर हो गई, यहां तक कोई आपको इशू नहीं होगा। अब चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बढ़ते हैं आगे और हम पांचवें नियम की तरफ चलते हैं। बहुत सारे नियम नहीं सीखने, बस कुछ पांच छह नियम हैं
वो नियम को सीखना, उन नियम को ध्यान रखना है और वो याद हो भी जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे हम लोग बहुत सारे, जब क्वेश्चन करेंगे तो नियम लगाते लगाते याद हो जाएंगे, नियम याद रटने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, और छठे नियम को हम जानते, पांचवें नियम को, कि पांचवा नियम क्या है। तो पांचवा नियम ये है कि घातांक में कभी भी, जैसे एक्स की पावर एम लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको नीचे लिखना चाहता हूँ बटे के नीचे, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। अगर बटे के नीचे लिखना चाहूंगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो जैसे प्लस का एम था, जब नीचे आया तो किसका हो गया, माइनस का एम हो गया। चिन्ह बदलेगा किसका, हमेशा घात का, याद रखिएगा चिन्ह हमेशा घात का बदलेगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कभी आपके पास एक्स की पावर माइनस एम लिखा हुआ है और आप इस घात को प्लस का बनाना चाहते हैं, तो उसको पलट दीजिए, पलटने पर घात का चिन्ह बदल जाएगा, 1/x की घात m, 1/x की घात m। जैसे सर कुछ एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 3 की घात -1, 3 की घात -1 लिखा हुआ है और आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप लिखेंगे 1/3 की घात 1, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हो जाएगा 1/3। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 2 की घात -2, 2 की घात -में है, अगर इसको प्लस में लिखना चाहते हैं तो इसको पलट दो, तो पलटोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 की पावर 2 और 1/2 की घात 2, सबको मालूम है 4 बन जाता है, इसीलिए हमारे का आंसर आ गया 4। इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे किसी ने लिखा है 1/4 की घात -2, ऐसा लिखा हुआ है, तो अब अगर आप इसको प्लस में लिखना चाहते हैं तो इसको पलट दो, तो जब आप इसको पलटेंगे तो घात हो जाएगी इसकी प्लस में 4 की घात 2, 4 की घात 2, और 4 की घात 2 होता है 16। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको प्रॉपर्टी 5 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और आगे जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6 भी बिल्कुल वैसा ही है। वैसा ही क्या है कि अगर a/b का मान अगर m दिया हुआ है, सॉरी a/b की घात m लिखा हुआ अगर है, तो अगर आधार को बल पलट दिया जाए, आधार को पलट दिया जाए तो घात का चिन्ह बदल जाता है। वही नियम का एक्सटेंशन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। तो इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आधार को पलटने पर घातांक का चिन्ह बदल जाएगा, का चिन्ह बदल जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी कि जब आपको आधार का चिन्ह, आधार को बदल दोगे तो घातांक का चिन्ह बदल जाएगा, आपको ये बात एकदम से समझ में आएगी। तो बस ये 6 नियम हैं जो आपको ध्यान रखना है, और बहुत आसान आसान नियम है। आप 6 नियम को एक जगह लिख के और एक बार सिर्फ याद करिए, एक बार याद करने के बाद आप कभी भी जब आपको फ्री होते हैं ना, जैसे जब भी आप फ्री हो तो बस एक बार मन में उनको याद कर लीजिए, और उसके बाद तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे, वैसे ही याद हो जाएंगे, तो दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ। तब आप कहेंगे कि सर ये जो एग्जाम्पल आपने लिया है तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें अंतर क्या है। आप कहेंगे सर इसमें अंतर ये है कि जो घात आ रही है ना वो सब माइनस में आ रही है। जैसे आप इससे पहले वाला अगर क्वेश्चन देखोगे, उससे पहले वाले में सबकी घात कैसे आ रही थी, प्लस में आ रही थी, सबकी घात प्लस में थी, और अब जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें क्या चल रहा है, सारी घातें माइनस में। तो अगर जैसे सारी घात प्लस में थी, सारी घात प्लस में थी, तो हम देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहे थे, हम इसको सॉल्व कर रहे थे ऊपर से नीचे की तरफ, सारी घात प्लस में थी तो ऊपर से नीचे की तरफ। और अगर घात माइनस में आ जाए, अगर घात माइनस में आ जाए, मैंने ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आप इसको सॉल्व करेंगे नीचे से ऊपर की, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे। अब नीचे से ऊपर की तरफ जब सॉल्व करेंगे तो पहला आदमी जिसको हम अटैक करने वाले हैं वो कौन होगा, ये होगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको हल करते हैं। तो आइए हल करते हैं, -2 की घात -2 है। अब आप कहेंगे कि सर -2 की घात -2 है ना, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1/2 की घात को पलट रहा हूं मैं, मैंने इसको, मैं नेगेटिव पावर है ना इसको पॉजिटिव बना रहा हूं, 1/-2 की घात कितना हो जाएगा, +2। अब आप बोलेंगे कि सर 1/-2 की घात 2, -2 की घात
अच्छा, किसी की घात दो होने का मतलब यह है कि उसका दो बार गुणा होगा। उसका कितनी बार गुणा होगा? दो बार। जैसे मान लीजिए आपके पास कभी ये लिखा हुआ आया, मान लेते हैं यह लिखा हुआ एक्स की घात चार, एक्स की घात चार का मतलब ये होगा एक्स का कितनी बार गुणा होगा? चार बार गुणा होगा, ये इसका मतलब होता है। अब ये इसका अगर मतलब होता है तो यही बात हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 का जब दो बार आप गुणा करेंगे। मैं एक एक बात को देखो एक बार लिख के बता रहा हूँ, बेसिक बताते समय कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन क्वेश्चन करेंगे जब इसको बहुत आसानी से फटाफट बना लेंगे। तो -2 गुणा -2, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, आंसर आ गया 1/4। और 1/4 आंसर सिर्फ इसका है। अब मान तो 1/4 की घात -2 और करना है आपको, करिए 1/4 की घात फिर आपको -2 करना है, ये वाला -2। और जब ये आप करेंगे तो क्या होगा? अब आप कहेंगे कि सर नियम नंबर 6 लगा दीजिए, जब आप आधार को पलट देंगे, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो जो 1/4 है जब इसको पलटूंगा तो 4/1 हो जाएगा, 4/1। और 4/1 का मतलब 4 ही होता है, और घात कैसी हो जाएगी? प्लस की। 4/1 का मतलब 4, 1 से किसी भी संख्या में भाग दो वही संख्या आएगी, 4 की घात 2 हो जाएगा 16। और ये आ गया 16, इसीलिए हमारा आंसर अब क्या हो गया? क्योंकि हमने यहां से आज तक पूरा सॉल्व कर दिया है, तो हमारा आंसर आया यहां से, वो आंसर आया 2 की घात 16, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप कहेंगे सर उसका भी आंसर यही आ रहा था, लेकिन याद रखिएगा गलत हो सकता है, जब वैल्यू चेंज करेगा तो आंसर चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका अगर 2 की घात 16 है तो इसका भी 2 की घात 16 ही होगा, अलग अलग आंसर हो सकता है ना। तो ये हमारे पास, आपको जब भी पावर नेगेटिव हो नीचे से ऊपर चलना है, पॉजिटिव हो ऊपर से नीचे आना, एकदम ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल में, अगले एग्जाम्पल को जरा सॉल्व करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहा गया आपसे कि यदि x/y^3m+4 y/x^2m-6 है तो m का मान ज्ञात करो। तो आप देख रहे हैं यहाँ आधार में लिखा हुआ x/y, यहाँ आधार में लिखा है y/x, तो अब हम ये चाहते हैं m का मान निकालना। तो क्या आपको मालूम है मैं अगर इस आधार को बदल दूँ, पलट दूँ, तो आधार को पलटूंगा तो आपको मालूम है ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, ये जो x/y है इसको x/y ही लिख रहा हूँ, और इसकी घात में 3m+4 बराबर, इसको पलटूंगा तो ये बन जाएगा x/y, और अब इसका निशान बदलेगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदलने का मतलब जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। तो 2m के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो -2m हो जाएगा, वो प्लस होगा, और -6 क्या बन जाएगा? प्लस। अब फिर से एक नियम काम करेगा हमारा, चौथा नियम जो हमने पढ़ा था कि जब आधार समान हो, देखो आधार समान दिख रहा होगा आपको, ये आधार समान है, जब ये आधार समान है तो आपको मालूम है आधार समान होने पर घात बराबर होती है, तो घात को बराबर कर दो। जब घात आप बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3m+4 = -2m और प्लस का 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से m का मान निकाल लेते हैं एकदम आसानी से, तो ये 2m इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस का, चिन्ह बदल जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3m+2m बराबर में ये 4 उधर जाके माइनस का, 4 उधर जाके माइनस का होगा तो 6 - 4 हो जाएगा 2। और ये इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये पूरा? तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा हमारे पास 5m, इसका मतलब हमारा आंसर में आ गया 5m 5m = 2। आंसर हो गया, 2 का भाग दे देंगे तो m बराबर हो जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 2/5, यही हमारा इस क्वेश्चन 2/5। आप देख रहे हैं कितना आराम से हमने इस सवाल को बना लिया है और कोई दिक्कत नहीं है नियम को जानते हुए, है ना, बहुत सिंपल है। बढ़ते हैं अब आगे, और अब हम लोग कुछ जब सारे नियम को जान लिया तो कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे पास इसके अगले टाइप 1 के क्वेश्चन की तरफ, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे उसको जानते हैं। दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि यदि x^2 = x+6 = 8^x+1 हो तो x का मान क्या होगा? तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में आधार या घात को बराबर करने की कोशिश करें,
जब कभी भी बीच में बराबर का चिन्ह हो और ऐसा ये दिया हुआ हो तो घात या आधार को बराबर करने की कोशिश करिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें आधार को बराबर करेंगे। आधार में लिखा हुआ है 2, यहाँ आधार में लिखा हुआ है 8, तो आप कहेंगे सर 8 को 2 बनाया जा सकता है, तो बना लेते हैं। कैसे बनाया जा सकता है, 2 की घात x प्लस 6 को सर आप रहने दीजिए, ये जो 8 लिखा हुआ है ना इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसकी घात x प्लस 1, ये आप जानते हैं। फिर अब आप कहेंगे कि सर ये तो दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, हमने नियम पढ़ा था कि दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो ये जब दोनों आपस में गुणा होंगे तो 2 की घात x प्लस 6 बराबर 2 की घात 3 का जब इनसे आप गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3x प्लस 3, 3x प्लस 3। अब आधार समान है देखो, और आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घाते भी आपस में बराबर, इसका मतलब x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, x को उस साइड ले जाते हैं और 3 को इधर लाते हैं, माने हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x वाले सारे लोग एक साइड और बिना x वाले लोग दूसरे साइड, तो हम क्या कर रहे हैं 3 को इधर ला रहे हैं, 3 इधर लाएंगे तो 6 माइनस 3, ये x उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 3x माइनस x, और 3x माइनस x मेरे दोस्त होता है 2x, और ये 6 माइनस 3 बन जाएगा 3, और क्योंकि x का मान निकालना है तो 2 इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, मेरे पास x का मान हो जाएगा 3/2, यही हमारे इस आंसर आंसर हो गया इसका 3/2। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। चलिए तो अगला बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके लिए ये रहा। फिर से हमारे पास क्या काम है, वही काम सर, आधार को बराबर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, यदि ये दिया हुआ हो तो एक्स का मान क्या होगा, आधार को बराबर करते ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 2 की घात एक्स बराबर में लिखा हुआ है 256, और 256 को जब 2 की घात में लिखेंगे सॉल्व करते हुए गुणा करते हुए तो आपको दिखेगा सर ये 2 की घात 8 होता है 256, का मतलब आपको 256 की जगह लिख देना चाहिए 2 की घात 8। और अब देखिए इन दोनों का आधार समान हो गया, और जब इन दोनों का आधार समान हो गया तो इसकी घात और ये घात दोनों बराबर होगी, का मतलब यहाँ से आ गया 2 की घात x बराबर 8। फिर से वही नियम कि सर फिर आप आधार को बराबर कीजिए, जब आधार को फिर बराबर करेंगे तो आप कहेंगे 2 की घात x, और 8 का मतलब होता है 2 की घात 3, फिर देखिए आधार समान घाते भी आपस में बराबर हो जाएगी, इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा x 3, यही इसको एकदम सिंपल है, एकदम हलवा क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखते जाना है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन फटाफट बनते जाएंगे। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए फटाफट आप लोग, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और जिसमें क्वेश्चन वाला ये कह रहा है हमसे कि 3 की घात x प्लस y बराबर 81, और 81 की घात x माइनस y/4 बराबर 3 हो तो x और y का मान क्या होगा, x और y का मान पूछा। तरीका बिल्कुल हमारा वही है, आधार को कोशिश करिए कि बराबर आ जाए, क्योंकि घात को बराबर करना इसमें मुश्किल है, तो आधार को बराबर करने पर सोचते हैं। तो आधार को अगर बराबर करने के बारे में सोचते हैं, हम कहेंगे सर यहाँ जो ये 3 की घात x प्लस y लिखा हुआ है इसके बराबर में जो ये 81 है ना, इसको 3 की घात में कुछ लिखा जा सकता है क्या, ऐसा सोचेंगे तभी तो आधार बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर मिल गया आंसर, 3 की घात 4 है ना वो 81 होता है, और जब 3 की घात 4 81 होता है, अब तो आप बोलोगे कि सर अब तो देखो आधार समान हो गया है, और आधार समान है बीच में बराबर का चिन्ह है तो घात भी बराबर होगी, का मतलब x प्लस y का जो मान है वो तो आपके पास आ गया है दोस्तों, एकदम सिंपल, यहां तक की बात में कोई दम। अब आते हैं दूसरे वाले आदमी के पास, दूसरा जना कह रहा है कि आपको, दूसरा आदमी कह रहा है कि आपको ये बराबर दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 81 में 3 आता है, आधार बराबर करना है तो इधर तो 3 है, ये 81 को 3 बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे सर, अभी लिखा था हमने 3 की घात 4 81 को, और इसकी घात भी क्या है, x माइनस y बटा 4 बराबर 3। और अब आप कहोगे कि सर वही नियम हमारा कि जब ब्रैकेट लगा हो तो घातों का आपस में गुणा करेंगे, ब्रैकेट लगा हो तो घातों का आपस में गुणा,
जब घातों को गुणा करेंगे तो चार से चार कट जाएगा, चार से चार कट जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूं, तीन की घात चार गुणा एक्स माइनस वाई बटा चार। और अब आप कहेंगे कि सर चार से चार कट जाएगा, काट देते हैं चार से चार को, और बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास, तीन। अब क्या बचा यहां से, अब आप कहेंगे सर अब बच गया तीन की घात में एक्स माइनस वाई, और इधर तो घात कुछ नहीं लिखा हुआ, तो एक तो होगा, एक हो गया। और अब देखिए आधार समान हो गया, आधार समान हो गया तो घाते भी क्या होंगे आपस में इसकी, बराबर। तो यहां से घात आ गई एक्स माइनस वाई बराबर एक, एकदम आसानी से सर हो गया, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई वन। यहां तक एकदम एक एक चीज समझते हुए चलना, बहुत आराम से। अब आपको एक्स और वाई मान का मान निकालना है, एक काम करते हैं सर दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे आप दोनों को जोड़ोगे तो ये एक्स और ये एक एक्स, एक एक्स और एक एक्स मिलकर हो जाएगा दो एक्स, और ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई कट जाएगा, और यहाँ पे मेरा दोस्त हो जाएगा चार और एक जोड़ के पांच, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा एक्स बराबर पांच बट। तो ये तो हो गया एक्स की वैल्यू। अब ये जो एक्स का मान आया है इसको आप किसी भी समीकरण में रख दो, या तो उसमें रख दो या इसमें रख दो, आपके पास किसका मान आ जाएगा, वाई का मान। और वैसे आप देखोगे तो आपको वैसे आंसर मिल चुका है, आपको आंसर वैसे इसलिए मिल चुका है कि हर टर्म में एक्स की वैल्यू अलग अलग है, और हमारा एक्स आया पांच बटा दो, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, का मतलब जो वाई रहा होगा वो तीन बटा दो रहा होगा। और आप चाहें तो इसका मान किसी भी समीकरण में रख के देख लें। अब यहाँ पे आके एक प्रॉब्लम होती है कि सर आप समीकरण सॉल्व करना हमको क्यों सिखा रहे हो, आप कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे क्वेश्चन बन जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मान लीजिए ऐसी समीकरण आपके मिल गई आपको, और आपको नहीं आ रही है, इसको सॉल्व करना आ ही नहीं रहा है, कैसे हल करते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप इन सवालों को हल करने के लिए ऑप्शन की हेल्प लीजिए। ऑप्शन से यहाँ आने के बाद सवाल आपका बहुत आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा, ऑप्शन से एक्स और वाई का मान जो है वो यहाँ रखेंगे तो तीन आ जाना चाहिए, चार आ जाना चाहिए, यहाँ रखेंगे तो एक आ जाना चाहिए, और जिस ऑप्शन ने ये आंसर दे दिया वो आपका सही आंसर हो। तो आप यहाँ आने के बाद अगर समीकरण हल करने में दिक्कत लगे आपको तो ऑप्शन की हेल्प लेंगे, और अगर नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आराम से इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है फोर्थ, सेवन की पावर। क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि सेवन की पावर एक्स माइनस तीन बटा चार बराबर सात गुणा सात की घात दो इंटू एक्स वन माइनस एक्स, तो एक्स का मान पूछा है। एकदम आसान है, देखिए आधार बराबर करना है इसका, एक्स की सात की घात एक्स माइनस तीन बटा चार, घात बराबर कर नहीं सकते, आधार बराबर करने की कोशिश करो। तो आपको मालूम है गुणा में जब आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती है। देखिए यहाँ पर दोनों का आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे, गुणा हो रहा है ना बीच में, डॉट का मतलब गुणा, तो बीच में गुणा हो रहा है, घातों को जोड़ देंगे। या सात की घात यहां से आया एक, और इसका गुणा कर रहा हूं मैं अंदर, दो का एक से भी गुणा होगा और दो का एक्स से भी गुणा होगा, दो का जब दो से गुणा होगा तो दो एकम दो, और दो का एक्स से गुणा होगा माइनस का दो एक्स, और इसको थोड़ा और आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए आधार बराबर हो गया, आधार बराबर है तो घाते भी आपस में बराबर हो जाएगी, तो घाते बराबर होगी तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस तीन बटा चार बराबर दो और एक मिलके हो जाएंगे तीन माइनस दो एक्स। अब इसको हल करके आपको एक्स का मान, बहुत आसान है सर। अब तो ये क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले लोग एक तरफ और बिना एक्स वाले लोग दूसरी तरफ, माइनस दो एक्स इधर आ जाएगा, एक्स प्लस दो एक्स बराबर तीन प्लस तीन बटा चार, और इसको जब हल करेंगे तो एक्स और यहाँ कुछ नहीं तो एक, एक एक्स और दो एक्स मिलके हो जाएगा तीन एक्स बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेके हल करते हैं। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्रॉस गुणा करो। क्रॉस में, क्रॉस में कैसे गुणा करते हैं सर, क्रॉस में आप चार का तीन से गुणा कर दो, बारह, एक का तीन से गुणा कर दो, बीच में प्लस है तो प्लस तीन, और नीचे इन दोनों का गुणा कर दो तो चार एकम, बस। एलसीएम आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। वैसे एलसीएम, एलसीएम हमारा एक चैप्टर भी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री एक्स बराबर बारह और तीन हो गया पंद्रह बटा चार। अब इस तीन का गुणा हो रहा है, इधर भाग दे दीजिए, एक्स बराबर हो गया पंद्रह बटा चार इंटू में तीन, तीन से पाँच कट गया, पंद्रह कट गया पाँच बार,
आपका आंसर हो गया 5/4, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, और यही हमारे इस क्वेश्चन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा सॉल्व क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मत करिए सॉल्व, आप क्यों कर रहे हैं, आप तो यहां तक ही सॉल्व करिए, आप तो सिर्फ इतना ही सॉल्व करिए, कहां तक, यहां तक, यहां आने के बाद स्टॉप कर दीजिए, यहां आने के बाद आप ऑप्शन पे चले जाओ। अगर आपको यहां के बाद सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो यहां आने के बाद आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए, बाय ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, बाय ऑप्शन भी करिए आप। एक्स की वैल्यू रख रख के देख लीजिए कि क्या आएगा, मुझे लगता है एक्स की वैल्यू इसमें रख रख के चेक करेंगे उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा जितना इसको सॉल्व करने में लगेगा। और आपको सीखना चाहिए, मुश्किल नहीं है, ऐसे कुछ ही सवाल है जो आपको बार बार जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें कहा गया आपसे कि के की वैल्यू क्या होगी। ये सब कुछ बराबर दिया हुआ है, ये और ये, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। आइए के का मान ज्ञात करते हैं। के का मान ज्ञात करने के लिए इसका भाग देना पड़ेगा, इसमें तो यहां से हटाते जाते हैं, 10 की घात के बराबर हो जाएगा 0.001125 और अपॉन में आ जाएगा 1.125। और अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर घातांक तो बराबर कर नहीं सकते हैं, आधार को बराबर करके ही आंसर लाया जा सकता है, तो सोचते हैं और सॉल्व करते हैं, सोचते हैं और सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे सर ये नंबर दोनों सेम लिखे हुए हैं, बस पॉइंट का ही तो फर्क है। तो अब एक काम करते हैं ना, पॉइंट को हटाने की कोशिश, कैसे हटेगा सर, देखो पॉइंट को हटाने के लिए इधर जितने अंक के पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे ना, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे नीचे हम 10 की घात उतना लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने 10 की घात लिखेंगे। आगे बात, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है इसके बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पॉइंट हटाने के लिए लिखेंगे 10 की घात, फिर आप नीचे आ जाइए। अगर आप नीचे चलते हैं तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो आप कहेंगे पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो आपको अब ऊपर लिखना है, ऊपर लिखना है 10 की घात 3। माने जब भी पॉइंट को हटाना होता है तो अगर ऊपर से हटा रहे हैं तो नीचे की तरफ 10 की घात जितने अंक है पॉइंट के बाद वो, और वो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों का पॉइंट खत्म हो गया, अब दोनों का पॉइंट खत्म हो गया, तो ये बच गया 1125 और ये भी बच गया 1125। और अब आप कहेंगे दोनों को सर काट दो, दोनों कट गए, और अब कट गए तो बस क्वेश्चन बन गया सर। अब क्या करेंगे, तो अब आप कहोगे कि सर देखो आधार बराबर है और बीच में भाग का निशान है, तो भाग होने पर घात को घटा देते हैं, हटाएंगे तो ऊपर, जब मैं इस नीचे वाले को ले जाऊंगा, हमने नियम में पढ़ा था जिसको लेके जाएंगे ऊपर या नीचे वो घटेगा, का मतलब 3 - 6 होगा, 3 में से 6 घटाएंगे, और इधर क्या चल रहा था हमारे पास 10 की घात 1। जब आप 3 में से 6 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर -3 आएगा, और अब देखिए आधार बराबर हो गया है, आधार समान हो गया, इसका मतलब घाते भी बराबर होगी, हमारा आंसर होगा के बराबर -3। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, एकदम सिंपल, एकदम हलवा क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इसको आंसर क्या होगा। आप कहेंगे कि सर इसको हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप पहले इसको सॉल्व करिए, आप कहेंगे पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 की घात 2। दोस्तों बताओ मुझे आप, -2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर इसका बेसिक मतलब होता है -2 का 2 बार गुणा, और -2 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 × 4 ऊपर वाले का मान, इस पूरे का मान कितना आ गया 4, और इसका मान 4 आ गया, तो 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16 हो गया, तो इसी क्वेश्चन तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 16। एकदम सिंपल हलवा क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे, और आगे जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आइए तो देखिए आधार बराबर करके ही सॉल्व किया जा सकता है, तो आधार बराबर करने के लिए जब हम चलेंगे तो हम इन दोनों को जानते हैं कि 2 की घात में आते हैं, ये भी आता है और ये भी आता है, 16 2 की घात होता है 4, आप कहेंगे 2 की घात 4 16 होता है, और इसकी घात कितनी है 0.36 में
अभी हमने 256 को लिखा था सर, 256 होता है 2 की घात 6, की घात नहीं 2 की घात 8 होता है, 2 की घात 8, और इसकी घात 0.07। फिर अब आप कहेंगे कि सर ये घाते जब ब्रैकेट होता है ना, तो ब्रैकेट होने पे घातों का गुणा किया जाता है, कर दो गुणा, ये हो जाएगा 2. आप 4 को 36 से गुणा कर दो, 4 का 36 से गुणा जब करेंगे आप, तो बबली मैडम का नियम याद है ना, वो इसका पहले इससे गुणा होगा, तो अब 4 का 6 से, तो 4 का 6 से गुणा, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, और फिर 3 का गुणा, 4 का गुणा 3 के साथ, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और हासिल 2 बचा था, वो 14 हो गया। क्या आ गया आपके पास? और यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट था, अब यहाँ भी 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्या गुणा इनटू में, अब इनका भी तो गुणा ही करेंगे ना, गुणा कर दो, तो 2 की घात 8 7 56, ये हो गया 56, और यहाँ भी 2 संख्या के बाद पॉइंट था, तो आप भी इधर से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, और देखिए अब गुणा में आधार बराबर है, तो गुणा में घातों को जोड़ देंगे, जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे तो 2 की घात होगा 1.44 प्लस 0.56। जब आप इनको जोड़ेंगे आराम से, आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, 2 की घात 2 आ गया, इसको जोड़ने पर 2 बन गए, और 2 की घात 2 होता है मेरे दोस्त आंसर, इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब आते हैं हम लोग ये क्वेश्चन के अंदर। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था इस टाइप में, और हमने ये जाना था कि जब कभी भी हमारे को ऐसी चीजें मिले ब्रैकेट ना हो, ऊपर से सॉल्व करते जाएंगे, ब्रैकेट होगा तो नीचे से सॉल्व मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट नहीं होगा तो ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे। तो ऊपर से जब सॉल्व करते हुए आएंगे, तो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे 2 की घात 2 होता है 4, 2 की घात 2 कितना हो गया 4, और फिर आप सोचेंगे अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16, यानी ये बन गया 2 की घात 16, भाग का निशान है तो बट्टा बना दिया। आप कहेंगे सर ये घाते आपस में गुणा होती है ब्रैकेट होने पर, घाते गुणा, तो 2 दुनी 4, 4 दुनी 8 का मतलब बन गया 2 की घात 8, और अब आप कहेंगे कि सर देखो आधार बराबर है, तो नीचे से घात ऊपर जाके घट जाएगी, इसका मतलब 2 की घात हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो आंसर 8, यही हमारे इस क्वेश्चन। देखिए बेसिक जानने के बाद क्वेश्चन में दम नहीं है, बेसिक जानने के बाद क्वेश्चन एक एक लाइनों में बनते हैं, बहुत आराम से बनते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला हमारे पास टाइप 2 है। टाइप टू के क्वेश्चंस को देखेंगे, और टाइप टू में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट मेथड बताता हूँ, फिर इसको एग्जाम में कैसे जल्दी से जल्दी बनाया जा सकता है वो जानेंगे। आपसे क्वेश्चन वाला इसका मान पूछा, इसका मान क्या रहा होगा, आइए सीखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, सीखेंगे, और सीखने के बाद फिर इसका शॉर्टकट रास्ता क्या हो सकता है बड़े से क्वेश्चन का, वो भी हम निकालेंगे। 1 + a^n - m +1/a^m - n + a, ये लिखा हुआ है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं, फिर शॉर्टकट रास्ता जो कि आपको एकदम सेकंडों में आंसर लाएगा वो भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें दोस्त आप क्या करेंगे कि सर आप एक काम करिए, हम जानते हैं कि ये n - m आया कैसे होगा। आप कहेंगे कि सर कभी ना कभी 1^n / 1^m लिखा होगा, और उसी को हमने ये लाया होगा, तो इसका मतलब मैं इसको वापस ऐसा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से अब आप ये कहेंगे कि सर ये 1^m - n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कभी ना कभी ऐसा रहा होगा, 1^m / 1^n + 1 ऐसा रहा होगा, यह हम तभी ये लिखा गया होगा, तो बिल्कुल यही होगा। अब आप कहेंगे कि सर अब एक काम करिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, क्यों मैं सिखाऊंगा। तो इसका मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ 1^n प्लस इसका गुणा इसके साथ 1 का गुणा करेंगे यही रहेगा, बटे में इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा 1^n प्लस ऊपर 1, यहां भी सेम काम, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ 1^n प्लस इसका गुणा इसके साथ 1^n और नीचे इन दोनों का गुणा यानी 1^n। हम एलसीएम नहीं आता तो कैसे करते हैं सॉल्व, देखिए मैं जरा आपको एरो बना के बताता हूँ। पहले इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा करो, और इसका इससे,
ये आपको नियम ध्यान रखना है। अब आपको मालूम है नीचे से चीज ऊपर चली जाएगी, पलट जाएगी, ये एक ही खाते हैं हम ऊपर, ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बेसिक मेथड पहले जान लीजिए, फिर क्वेश्चन तो अपन बहुत सेकंडों में कर लेंगे इसको। तरीका हमारे पास दूसरा और भी है, पहले हम जान लेते हैं कि हो कैसे रहा है। ये ऊपर चला गया तो ये बन गया आपके पास एक ही घात एम अपॉन एक ही घात एम प्लस, ये नीचे से ऊपर चला गया तो ये बन गया एक ही घात एन बटा एक ही घात एम प्लस एन। अब आप कहेंगे सर ये देखिए इन दोनों का हर, ये नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे दोनों का हर बराबर है, और जब नीचे दोनों का हर बराबर हो तब बीच में प्लस है तो प्लस कर दो सीधे, और माइनस हो तो सीधा माइनस कर दो, तो बीच में प्लस है प्लस कर दो दोनों को, और दोनों को जब प्लस करोगे तो एक ही हर आएगा नीचे में, इन दोनों में से एक ही हर, एक ही घात एम और एक ही घात एन, ऊपर वाले जोड़ दिए जाएंगे एक ही घात एम प्लस एक ही घात एन। अब आप कहेंगे कि सर ये ऊपर नीचे दोनों सेम आ गया, कट गया, आंसर हो गया एक, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन सर इतना हमको अगर मैथ्स आता, इतना सब कुछ हमको आता ही, तो हम मैथ्स नहीं ले लेते, हम पशु परिचर्य क्यों पढ़ते, कोई और एग्जाम बड़े एग्जाम की तैयारी करते। इतनी मैथ्स हमको नहीं आती, अगर इतनी मैथ्स नहीं आती तो मेरे दोस्त और अच्छी बात है, ठीक है, कुछ और आपके लिए सीखने के लिए बना है। अब हम इसको दूसरे तरीके से जानते हैं, इसका आंसर एग्जाम में कैसे लाया जाए। तो ऐसा जब भी सवाल आता है वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस का, मैंने एम हो एन हो एक्स हो, बहुत खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिखे, तो आप ऐसे सवालों में कुछ मान रख के भी कर सकते हैं। अब कुछ मान रखने का मतलब यह है कि आप एम और एन का मान कुछ भी रख दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो मान सोच लो। बस ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है आपको कि डिनोमिनेटर में माने हर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, हर में अगर मान रखने पे जीरो आ रहा तो गड़बड़ है, बाकी उसके बाद आप कोई भी मान रख दो आपका आंसर आ ही जाएगा, आप कुछ भी आंसर रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने एम की जगह एक और एन की जगह एक रख रहा हूँ, मैं एम और एन की वैल्यू ऐसी रखूंगा जिससे मेरे पास घात जो है वो आसान बन जाए, तो मैं यहाँ पे एम और एन का मान एक लिख रहा हूँ। ये आप जब तीन चार सवालों तक आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि मुझे क्या रखना चाहिए, एम का मान और एन का मान, कुछ भी रख सकते हो। तो मैं दोनों का मान एक रख रहा हूँ, अब जरा सोचो अगर मैंने दोनों का मान एक रख दिया तो आपको नहीं लगता है? एक माइनस एक जीरो हो गया, एक बटा एक प्लस एक ही घात जीरो हो गया, तो ये तो बहुत सही हो गया। और ये एक बटा यहाँ पे एक माइनस एक, एम की जगह भी एक और एन की जगह भी, इसकी जगह भी एक लिख दिया, इसकी जगह भी एक लिख दिया, तो क्या हो गया, एक ही घात फिर जीरो प्लस एक। अब आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल मालूम होगा किसी की घात जीरो हो, किसी की भी घात जीरो हो, आंसर एक आता है, तो मतलब एक बटा ये एक और एक दो हो जाएंगे, तो दो प्लस यहाँ पे एक किसी की घात जीरो एक, एक प्लस एक दो, एक बटा दो, एक बटा दो का मतलब होता है आधा, आधा और आधा मिलके हो जाएगा एक, और इस क्वेश्चन का एकदम सिंपल है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लिया और आंसर हो जाएगा एक। बस ये बात याद रखना किसी की घात जीरो एक होती है, क्यों होती है ये आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए तो यहां तक की बात समझ में आ गई कि हम लोग मान रख के करेंगे ऐसे क्वेश्चन को और बहुत आराम से बन जाएंगे। एक क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब मान रख रख के भी हम लोग चेक कर लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते हैं आगे। और आगे आपके सामने क्वेश्चन जो बहुत भयानक सा आपको दिख रहा है और आप देख के इसको घबरा रहे होंगे और आपको आपसे नहीं बन रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है ऐसे में, तो आप कहेंगे सर मान रख लेते हैं, अब मान ऐसा मान रखे जिससे घात आसानी से सॉल्व हो जाए, तो आप कहेंगे सर एक काम करिए ना, इसमें भी आप एक काम करिए, ए का मान एक, बी का मान एक, सी का मान एक। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आपको ये कैसे ख्याल आ जाता है एक 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 रखना है, ये इनको देख के ख्याल आ रहा है, देखिए अंतर देख के, अंतर देख के ख्याल आया कि जीरो होने वाला है घात, और घात जीरो होना आसान हो गया ना, किसी की घात जीरो होना आसान हो जाता है, तो इसको देख के मुझे ख्याल आया तो ये बन गया जीरो, ये बन गया जीरो, मतलब हो गया अगर ये जीरो बन गया तो जीरो को पता है ना, अब इसको मैं एक बार लिखूं या नहीं लिखूं, मुझे लग रहा है डायरेक्ट कर देना चाहिए। देखो एक्स की घात हो गया जीरो, क्योंकि जीरो का आप किसी से भी गुणा करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा, इसका मतलब एक्स की घात जीरो इंटू ये भी जीरो होगा, एक्स की सी की जगह वन और ए की जगह वन रख दो तो ये भी जीरो, और जीरो का किसी से भी गुणा, क्योंकि ये दो होगा, दो का जीरो से गुणा
माने एक्स की घात जीरो इंटू ये अगला भी एक्स की घात जीरो, और आप कहेंगे किसी की भी घात जीरो एक इंटू एक इंटू एक, और एक का कितने बार भी सर गुणा कर दो एक ही आएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। देख रहे हैं कितना आराम से क्वेश्चन, वरना ये भयानक सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ता है, फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं और फॉर्मूले लगा के हल करना पड़ता है, वो लेंथी प्रोसेस है। आप उनसे बचिए, आपको मेथड सीख लिया आ गया, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे के अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, फिर से आप कहेंगे कि सर मुझे इसको देख के है ना डर लग रहा है, बहुत भयानक सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फिर से मुझे दिखा कि सर घात देखिए, घात में ए माइनस बी, बी माइनस ए दिख रहा है, इसका मतलब ए और बी को एक एक मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन हमने किया ए की वेज ए मान लिया और बी को एक मान लिया, और ऐसा मानते ही आप कहोगे कि सर अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो ये बन गया वन प्लस किसी की घात जीरो, ये जीरो किसी की घात जीरो कितना होता है एक, तो इसका आंसर भी क्या बन गया एक, और इस पूरे की घात माइनस एक है प्लस, आप फिर क्या करेंगे सर ये एक, फिर ये देखिए घात जीरो, किसी की घात जीरो एक होता है, इसका आंसर भी क्या हो गया एक, और इसकी पावर में माइनस एक, इतना आसान हो गया। अब आसान होने के बाद एक प्लस एक हो गया दो, एक प्लस एक दो, और दो की घात माइनस, तो हमने पढ़ा था किसी की घात अगर माइनस में है उसको पलट देंगे तो घात प्लस में हो जाएगी, तो दो की घात माइनस एक को हम लिख सकते हैं एक बटा दो, इसी तरीके से दो की घात माइनस एक को एक बटा दो, और एक बटा दो का मतलब आधा, आधा प्लस आधा एक, यही हमारे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, है क्या नहीं आसान, हलवा क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट जानने के बाद हलवा लगेगा, एकदम आसान है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला बहुत भयानक सा क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया है। अब आप कहोगे कि सर अब एक्स की वैल्यू एक ए और बी की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, तो मेरे दोस्त मुझे बताओ आप ऐसे एक्सप्रेशन को तो देखा है ना हमने, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक्स अपोन ए और एक्स अपोन बी आए, तो आप कहोगे कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आधार समान है भाग हो रहा है तो घाते घटा दी जाएगी ए माइनस बी, और इसको देखते ही तुरंत ख्याल आ गया कि सर इसका मतलब आपको ए का मान एक और बी का मान भी एक ले लेना चाहिए, सवाल बन जाए, ठीक है। तो आप जैसे ही लेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर जीरो, देखिए यानी ये जीरो हो गया, सेम आप इसको भी सोच के देखो ये भी जीरो होगा क्योंकि बी माइनस सी, और बी माइनस सी कितना होगा जीरो, तो एक्स की घात जीरो कितना हो गया वन, तो ये भी वन, ये भी वन, और इसी तरह ये भी वन हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर ये वन, और वन की घात कुछ भी करो आप, वन की घात कुछ भी कर लो आप, क्या आएगा वन ही आएगा, तो वन हो गया, इसी तरह इससे भी आंसर क्या आ गया वन, इसी प्रकार से इससे भी आंसर क्या आ गया वन, और ऐसा वन वन आते आंसर हो गया वन, और है ना हलवा क्वेश्चन, बहुत आसान है मैथ्स, बहुत, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानिए, लगातार कॉन्स्टेंटली हर लेक्चर को देखते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और मेरे आप हर लेक्चर में आपको भरपूर मात्रा में क्वेश्चन मिलेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप 5 बार 6 बार एग्जाम तक रिवाइज कर लेंगे ना, तो मेरा यकीन है आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन मैथ्स के आप करके आने वाले, ठीक है ना, और मैथ्स आपके एग्जाम में एक्स फैक्टर रहेगी, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ्स के वो बड़े ही काम के और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपकी मेरिट को डिसाइड करने वाले हैं, इसीलिए आप बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं कर सकते, और मैं आपको एकदम आसान आसान भाषा में सिंपल सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ जो हर बच्चे को समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे देखिए फिर एक भयानक सा एक्सप्रेशन आ गया, आप कहेंगे सर ये तो बहुत और खतरनाक आ गया, लेकिन नहीं आया ना, बहुत आसान है, फिर आप कहेंगे कि सर देखिए ये दोनों को देखिए ए माइनस बी सी माइनस ए, आप ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू भी आप वन ले लीजिए, अब आराम से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसान है, एकदम भी मुश्किल नहीं है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ क्या आपको नहीं लगता इसका मान एक हो गया, इसका मान एक हो गया, आपको मिल गया एक बटा एक प्लस एक प्लस एक बराबर, सॉरी प्लस, अगले यहां आ जाओ तो यहां भी आपको सेम दिखेगा एक प्लस एक प्लस एक प्लस, यहां भी आपको सेम वही नंबर आएगा एक प्लस एक एक, और ऐसा आने का मतलब ये हो गया एक बटा प्लस, यहां भी हो गया ये एक बटा तीन प्लस, यहां भी हो गया एक बटा तीन, और जब हर समान है, हर समान है तो ऊपर वालों को खाली जोड़ दो, एक दो एक और एक दो और एक तीन, तो तीन बटा तीन, तीन तीन कट गया, आंसर हो गया एक, और यही हमारे इस क्वेश्चन एकदम आसान, बहुत सारा भयानक भयानक दिखने वाले क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन गए।
जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे और आगे कॉन्सेप्ट जानते हैं कुछ टाइप थ्री। और टाइप थ्री में हम लोग पहले जानते हैं कॉन्सेप्ट को। टाइप थ्री में हम लोगों को कुछ घातांक दिए होंगे और उनको बड़ा या छोटा देखना होगा, बड़ा या छोटा, है ना। तो बड़ा या छोटा देखने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या माजरा क्या है? तो माजरा ये है हमारे पास कि मैं मान लो आपसे पूछूं, मेरे दोस्त आप बताइए कि पांच और छह में कौन बड़ा होगा, पांच और छह में कौन बड़ा होगा। आप कहेंगे कि सर पांच और छह में तो निश्चित रूप से छह बड़ा है, और निश्चित रूप से अगर छह बड़ा है तो आप ऐसा सिंबल बनाएंगे, जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ चोंच खुलता है, ये चोंच जो बड़ा होगा उसकी तरफ खुलेगा और छोटे की तरफ बंद हो जाता है, बड़े की तरफ खुलेगा छोटे की तरफ बंद हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करिए, आप मुझे बताइए पांच की घात तीस और छह की घात तीस, अब बताइए इसमें कौन बड़ा होगा। तो आप कहेंगे कि सर आधार घातांक दोनों के बराबर है, घातांक दोनों के बराबर है, तो निश्चित रूप से जिसका आधार बड़ा होगा वो बड़ा होगा, इसका मतलब इसका आधार बड़ा है तो ये बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात? एक एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। ये पहला बात था हमारा। दूसरा, हम लोग घातांक की तरफ चल गए। तीसरा पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने कहा पांच की घात 40 लिखा हुआ है और पांच की घात 30 लिखा हुआ है, आप मुझे बताइए इन दोनों में कौन बड़ा होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, बच्चों जैसा सवाल है, आधार दोनों का समान है तो जिसकी घात बड़ी वो बड़ा, घात इसकी बड़ी है तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि जब कभी भी आपको घात के क्वेश्चन में बड़ा या छोटा देखना होगा, आपको या तो आधार बराबर करना पड़ेगा या घात बराबर करना पड़ेगा। आधार और घात को बराबर करके ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। समझ में आ गई बात? सर बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल। अगर समझ में आ गई है इस बात को आप एकदम नोट डाल के लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी घातांक के क्वेश्चन में बड़ा या छोटा देखना होगा, जब भी घातांक के प्रश्नों में बड़ा या छोटा देखना होगा, हम हमेशा आधार या घातांक को समान करके डिसाइड करें। लगता है आपको ये बात समझ, आधार या घात दोनों में से किसी भी एक को जो आसानी से बराबर हो जाए उसको बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद हम लोग जो जिसकी जैसे आधार बराबर है तो जिसकी घात बड़ी वो बड़ा, अगर घात बराबर है तो जिसका आधार बड़ा वो बड़ा। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल सर, बात समझ में आ गई। बात अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है पहला कि दोस्तों 2 की घात 60, 3 की घात 48, 4 की घात 36 और 5 की घात 24 में कौन बड़ा है। सवाल ये है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो दोस्त मेरे, सबसे बड़ी संख्या अगर देखनी है तो आप ये देखिए कि आधार और घात में किसको बराबर कर सकते हैं। तो आपको एकदम देखने पर जब खूब सारे और क्वेश्चन अपन कर लेंगे, आप एकदम इस बात के लिए श्योर हो जाएंगे कि सर जिसके ऐसे जब भी सवाल आ रहे हैं तो उसमें हमको देख के मालूम पड़ जाएगा कि घात बराबर होगी या आधार बराबर होगा। मुझे यहाँ से एकदम समझ में आ रहा है कि आधार को बराबर करना सर मुश्किल है, लेकिन घात बराबर हो सकता है। अब घात को कैसे बराबर करें, तो आप मुझे बताइए कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें सबकी घात में भाग जा रहा है। या आप ऐसे सोचिए, घात में ऐसा क्या है जो कॉमन आ रहा है।
आप कहेंगे सर सबकी घात में 12 आता है, 12 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, घात में 12 का भाग जाता है। इसका मतलब फिर तो क्वेश्चन आसान बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 की घात 60 को लिख देंगे 5 गुणा 12, इसी तरीके से 3 को लिख देंगे 3 गुणा 12 सॉरी 4 गुणा 12, 48 है ना घात, 48 के में अंदर 4 बार भाग जाएगा तो 4 × 12। इसी प्रकार से 36 को 4 की घात 36 में लिखेंगे 4 की घात 3 गुणा 12। इसी प्रकार से 5 की घात 24 में लिखेंगे 5 की घात 2 गुणा 12। और यहां तक आने के बाद हमने जो एक नियम पढ़ा था वो नियम हमारा ये था कि x की घात में अगर m की घात n लिखा हुआ है, हमने ये पढ़ा था मेरे दोस्त कि हम इसको x की घात m गुणा n लिख सकते हैं, और जरूरत पड़े तो हम m को इसकी जगह और इसकी जगह भी भेज सकते हैं। तो मतलब हम इसको x की घात m भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, m इंटू एन करो या n इंटू एक करो, n इंटू एम करो, बात तो एक ही है ना। बिल्कुल सर, एक ही बात है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, घात को बराबर करने के लिए, क्योंकि मुझे सबके घात में 12 आ चुका है, तो जो बाकी का बचा हुआ भाग है उसको मैं अंदर ले रहा हूँ। यानी मैं इसको 2 की घात 5 की घात 12 लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 की घात 4 की घात 12 लिख सकता हूँ बिल्कुल, 4 की घात 3 की घात 12 लिख सकते हैं, और 5 की घात 2 की घात 12 लिख सकते हैं। अब मेरे दोस्त ये हो जाएगा 5 2 की घात 5 32 और 32 की घात 12, 3 की घात 4 81, 81 की घात 4 सॉरी 12, इसी प्रकार से 4 की घात 3 64 हो जाएगा और 64 की घात 12, 5 की घात 2 25 हो जाएगा। और अब आ गया बात, देखिए घात बराबर हो गया, और घात बराबर होते क्वेश्चन खत्म हो चुका है, एकदम क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचा। आप देख लीजिए किसका आधार बड़ा है, बस वो बड़ा होगा। तो आप कहेंगे 81 सबसे बड़ा है सर, अगर 81 सबसे बड़ा है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये सबसे बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा तो ये किससे आया, इससे आया, ये किससे आया, इससे आया, इसका मतलब ये बड़ा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी कर, है ना, सिंपल, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, बस एक एक बात को सीखते जाइए। मेरी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाने में कोई कमी नहीं रखूंगा। क्लास लंबी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आप देखिए मैं कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, एक एक टॉपिक पर उसको टाइप वाइज डिवाइड करके, कि इस टाइप का सवाल ऐसे बनेगा, इस टाइप का सवाल ऐसे बनेगा, सबको खिचड़ी नहीं बना रहा हूँ, हलवा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टाइम लगेगा, टाइम में लेके घबराइए मत। अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है या आपको लग रहा है कि मुझे इतने लेक्चर इतने टाइम तक नहीं देख सकता हूँ, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए। लेकिन अगर मैं टाइम कम करने जाऊंगा मेरे दोस्त, तो आपके साथ नाइंसाफी होगी और वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मेरी पूरी ईमानदारी बना के रखूंगा आपके साथ, है ना, ताकि आपको एग्जाम के बाद याद आएगा कि हमने GGDE से पढ़ा था और GGDE की बेस्ट टीम के साथ पढ़ा था, और अब वो हम एग्जाम निकाल चुके हैं, एग्जाम आराम से आपसे निकलेगा। इसीलिए आप बने रहिए लगातार, और दूसरों को भी बताते रहिए कि सबका फायदा हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और आगे मेरे दोस्त हम एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। और अब आप कहेंगे कि सर इसके अंदर या इसमें भी तो सर वही प्रॉब्लम आ रहा है ना, कि सर इसमें भी है ना, आप देखिए ये और ये लिखा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। अब अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो अब आप मुझे जरा ये बताओ कि क्या इसमें आधार को बराबर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते सर, तो इसमें घातांक को बराबर करना पड़ेगा। तो घात ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है जिससे सबकी घात कट रही है, तो आप कहेंगे सर ऐसी कॉमन संख्या 10 है, 10 में 20 का भाग जाता है, 30 में भी जाता है, 40 में भी जाता है, 50 में, यानी सबको 10 में तोड़ने की कोशिश करो। कैसे तोड़ेंगे, जैसे 2 की घात 50 को लिखेंगे 2 की घात 5 × 10, 2 की घात 5 × 10 का मतलब मैं थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूँ एक स्टेप छोड़ के, ऐसा लिख सकते हैं। फिर 3 की घात 40 को 3 की घात 4 की घात 40 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से 4 की घात 30 को 4 की घात 3 की घात 10 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5 की घात 20 को 5 की घात 2 की घात 10 लिख सकते हैं। और अब आप देख लीजिए कि आधार किसका बराबर बड़ा है, बस आधार किसका बड़ा है वो देख लो। आप कहेंगे सर इसका आधार है 32, इसका आधार है 81, 3 की घात 4 81 होता है, इसका आधार है 64 और इसका आधार है
इसका आधार बड़ा हो गया मेरे दोस्त, इसका बड़ा हो गया, और इसका बड़ा हो गया इसका मतलब हमारा आंसर ये हो, ये हमारा आंसर है, और ये आंसर आया है 3 की घात 40 से, यही हमारा आंसर, यानी 3 की घात 40 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर। मान लो जो इसके बोला होता सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आधार किसका है, आप कहेंगे 25, तो ये है सबसे छोटा। अगर सबसे छोटा पूछा होता सबसे छोटा कौन होगा मेरे दोस्तों, ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा। अब मान लो इसको बोला होता आरोही अवरोही क्रम में जमाना है, आरोही क्रम अवरोही क्रम ये भी दो क्रम होते हैं, तो आरोही क्रम में अगर जमाने के लिए बोलेगा या अवरोही क्रम में, तो आरोही अवरोही क्रम बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा होता है। आगे हम लोग किसी न किसी टॉपिक में आरोही अवरोही पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। मैं उस टॉप उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ उस टॉपिक को, अगर आएगा तो आपको वहाँ मालूम पड़ जाएगा, अरेंज कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा देखने में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। चलिए बढ़ते, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे, और आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, 200 की घात 300 और 300 की घात 200, इनमें कौन बड़ा होगा सर, अभी तो फिर प्रॉब्लम होगी। दोस्त बहुत आसान है, आप ये देखिए, तो आप कहेंगे सर इसमें मैं ना ये जो आपने इसको लिखा है ना 200 को और 300 को, मैं इन दोनों को बराबर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन घात को बराबर कर लूंगा। कैसे करोगे आप कि सर देखो 100 का भाग इसमें भी जाता है और 100 का भाग इसमें भी जाता है ना, तो मैं इसको तोड़ देता हूँ। कैसे तोड़ूंगा, 200 की घात 300 को लिखेंगे 3 × 100, तो 200 की घात 3 की घात 100, और यहाँ पे 300 लिखा हुआ है मेरे दोस्त, तो 300 को लिखेंगे 300 की घात 2 की घात 100, तोड़ दिया हमने 100 × 2, अब क्वेश्चन हो गया डन। अब आप देख लीजिए किसका आधार बड़ा है, आप कहेंगे सर 200 की घात 3 का मतलब 200 का 3 बार गुणा, और जब 200 का दोस्त मेरे 3 बार गुणा करेंगे तो ये जो 0 है ना 00 ये भी 3 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 0 आएंगे, 6 0 दो, ये जो 2 0 है वो 3 बार आएंगे, 2 2 4 2 6, और 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8 आया। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करने पर ये 3 की घात 2 तो हो गया 9, और ये जो 2 0 लिखे हैं ना आपने 2 0, ये 2 0 का पेयर में 2 बार आएंगे, माने 4 0 आएंगे, 1 2 3 4, और आपको देख के लग गया होगा ये कितना छोटा नंबर है इससे, देखिए आप खुद देख लीजिए आप, तो आप कहेंगे सर ये नंबर बड़ा है, ये बड़ा हो गया, और ये बड़ा हो गया तो हमारा आंसर हो गया 200 की घात 300, ये बड़ा होगा और 300 की घात 200 छोटा होगा, आसान है ना, एकदम सिंपल है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में घातांक को पढ़ा हम लोगों ने, और आज इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉर्ट्स माने करणी को, और वो भी वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने ये लेक्चर को बहुत आसानी से कंप्लीट किया है, वैसे ही हम लोग आने वाले उस टॉपिक को भी बहुत आराम से और बहुत आसानी से बहुत बेहतर ट्रिक्स के साथ उसको भी करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।